केटीएम। ये नाम सुनते ही शायद आपके मन में आता है एक रंग बिरंगी बाल वाला लड़का जो कि ट्रैफिक सिग्नल के धज्जियां उड़ा के रास्ते में पागलों की तरह हरकतें कर रहा है। लेकिन एक समय जो बाइक आप मैं सबका ड्रीम बाइक हुआ करता था, उसका इमेज इतना खराब कैसे हो गया कि आज जो बंदा केटीएम चलाता है उसे ही छपरी बोला जाता है। आप इस चार्ट को देखो, 2013 से जब से केटीएम ने इंडिया में बाइक्स बेचना शुरू किया तब से लेकर 2020 तक इसका सेल्स बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ। लेकिन इसके बाद 2021 में इसका सेल्स थोड़ा सा डाउन गया और फिर 2022 में यह सीधा 63,000 से 50,000 में पहुंच गया। मतलब सिर्फ एक साल में इनका सेल्स ऑलमोस्ट 20% नीचे गिर गया। तो अब सवाल यह है कि केटीएम के सेल्स आखिर नीचे क्यों गिर रही है? क्या यहाँ पर केटीएम कंपनी की कुछ गलती है या फिर इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे उन टिकटॉकर भाइयों को जिसने केटीएम के आगे छपरी टैग लगा दिया? तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं केटीएम के बारे में। और हाँ, वीडियो के एंड में हम ये भी बात करेंगे कि केटीएम जैसे और कौन कौन से फेमस ब्रांड्स हैं जो कि आज तो बहुत पैसा छाप रही है लेकिन आने वाले 3-4 सालों में उनका सेल्स नीचे गिर सकता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे लास्ट तक देखना। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो देखिए, केटीएम एक ऑस्ट्रियन कंपनी है। बहुत सारे लोगों को शायद लगता होगा कि एक जापानीज ब्रांड है लेकिन ऐसा नहीं है। अब जिन लोगों को ऑस्ट्रिया के बारे में नहीं पता उनको बता दे कि ऑस्ट्रिया सेंट्रल यूरोप में बसा एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी आबादी महज 90 लाख के आसपास है। मतलब हमारे मुंबई में और ऑस्ट्रिया से 2.5 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। इसकी कैपिटल है वियना सिटी, जिसके बारे में शायद आपने कभी ना कभी सुना होगा। अब केटीएम की अगर बात करें तो इसको 1934 में एक ऑस्ट्रियन इंजीनियर हांस ट्रांकेन पोल्स के द्वारा स्टार्ट किया गया। इस आदमी का नाम जितना अजीब था उतना ही अजीब इन्होंने कंपनी का नाम भी रखा। केटीएम का फुल फॉर्म है, इसे तो मैं नहीं पढ़ सकता, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो शुरुआती दिनों में ये कंपनी सिर्फ कार्स ही बनाती थी लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनको बहुत घाटा हुआ तब से इन्होंने बाइक मैन्युफैक्चरिंग पे भी ध्यान देना शुरू किया। और जैसे ही 1951 में केटीएम ने अपनी पहली मोटरसाइकिल R100 को लॉन्च करी, उसका जबरदस्त सेल्स हुआ और कंपनी ने बहुत पैसा कमाया। इस समय तक ये मोटरसाइकिल के पार्ट्स घर में ही बनाए करते थे लेकिन 1953 में जब एक आदमी ने इस कंपनी में बहुत पैसा लगाया तब से केटीएम की प्रोडक्शन और भी बढ़ गई। R100 के बाद इन्होंने और भी कई सारे बाइक्स लॉन्च करी और 1957 में फाइनली केटीएम ने अपना पहला स्पोर्ट्स बाइक द ट्रॉफी को लॉन्च किया। स्पोर्ट्स बाइक के अलावा इन्होंने स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग पे भी अपना हाथ आजमाना चाहा और केटीएम ने अपने पहले स्कूटर पोनी को 1960 में लॉन्च किया। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया केटीएम ने एक के बाद एक मोटरसाइकिल लॉन्च किया लेकिन 1991 तक केटीएम सिर्फ एक एवरेज लेवल की ही कंपनी थी। मतलब इनको ज्यादा लोग नहीं जानते थे, इसलिए केटीएम ने कुछ बड़ा करने का सोचा और 1994 में उन्होंने ड्यूक सीरीज को लॉन्च किया। अब ड्यूक सीरीज के बारे में शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया में केटीएम ने अपनी ड्यूक सीरीज की बाइक्स को ही सबसे ज्यादा बेची। इसके बाद 2007 में बजाज ने केटीएम की 14.5% स्टेक खरीद ली क्योंकि इससे दोनों कंपनी को ही फायदा मिलने वाली थी। एक तरफ जहां बजाज इंडिया को छोड़ के यूरोप और दूसरे डेवलप्ड देशों के मार्केट में अपना बाइक्स बेचना चाहती थी, वहीं पर केटीएम यूरोप के अलावा इंडिया जैसे डेवलपिंग देशों के मार्केट में आना चाहती थी। अब शुरुआती दिनों में केटीएम 600 सीसी से ऊपर के इंजन वाली बाइक्स बनाती थी जिसको ऑब्वियसली हमारे इंडिया जैसे देश के लोग नहीं खरीद सकते थे क्योंकि एक तो इसका प्राइस बहुत ज्यादा था और दूसरा कि हमें इतने पावरफुल बाइक्स भी नहीं चाहिए थे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो आज भी हमारे इंडिया में आधे से ज्यादा बाइक्स की इंजन 200 सीसी से कम की होती है। इसके अलावा क्योंकि केटीएम के ज्यादातर बाइक्स ऑस्ट्रिया में बनाई जाती थी तो वहाँ पर हाई लेबर कॉस्ट के कारण केटीएम अगर छोटी बाइक्स भी बनाती तो भी वो बहुत एक्सपेंसिव बन जाती। इसलिए 2012 में केटीएम ने बजाज के साथ मिलकर इंडिया में ही 200 सीसी की बाइक्स को डिजाइन मैन्युफैक्चर और बेचना शुरू किया। इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की वजह से इनका बाइक्स 30% तक सस्ता बन गया। मतलब जो बाइक पहले 2.5 लाख में मिलती थी उसके लिए लोगों को अब सिर्फ 1,75,000 ही देने थे। अब इंडियंस को जब कम प्राइस में हाई परफॉर्मेंस वाला बाइक मिल गया तब केटीएम की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगी। अगर आप 2013 से 2020 के बीच में केटीएम की सेल्स को देखोगे तो हर साल इनका सेल्स 10% से बढ़ा है। इंडिया में केटीएम ने अपना 9 अलग अलग मॉडल्स भी लॉन्च किया। इसमें से केटीएम 125 ड्यूक, RC 125, 250 ड्यूक कुछ फेमस मॉडल्स है। इनफैक्ट केटीएम एक छोटा ब्रांड होने के बावजूद भी अपने दमदार परफॉर्मेंस और लो प्राइस की वजह से इंडिया में बहुत तेजी से फेमस हो गया। केटीएम की रेसिंग हिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो इसने 2016 के एंड तक 260 से भी ज्यादा बार चैंपियन टाइटल को हासिल किया जो कि इसे मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड बनाती है। अब सब कुछ तो ठीक ठाक ही था लेकिन कम प्राइस की वजह से केटीएम कुछ ऐसे लोगों के हाथों चला गया जिसे हम छपरी नाम से जानते हैं। अब छपरी, इस वर्ड को तो आपने शायद कभी ना कभी सुना होगा। छपरी उसे बोला जाता है जो कि खुद को कूल दिखाने के लिए अजीब वगैरह हरकतें करते रहता है जैसे कि ये और ये। छपरी लोगों में कुछ चीजें कॉमन है जैसे कि उसका हेयर स्टाइल कोई कौवे के घोंसले से कम नहीं है, उसका चश्मा बहुत ही डीप कलर का होता है, उसका पैंट कुछ इस तरीके का होता है। अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं दुनिया के ऑलमोस्ट हर देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि बाइक्स चलाते समय ये सोचता है
है कि वो बाइक नहीं एरोप्लेन चला रहा है, पर इन लोगों को स्क्विड राइडर इस वर्ड से जाना जाता है। ये लोग एक तो रेकलेस ड्राइविंग करते हैं और दूसरा कि ये ट्रैफिक सिग्नल की धज्जियां उड़ा देते हैं। हमारे इंडिया में इन स्क्विड राइडर्स की एक कैटेगरी है जिसे छपरी बोला जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली KTM जैसे एक ब्रांड का नाम इन लोगों के साथ जुड़ने के कारण उसका भी नाम खराब हो रहा है, पर आज जो बंदा KTM चला रहा है उसे ही छपरी बोला जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि सिर्फ KTM ही क्यों, लोग तो दूसरे कंपनीज के बाइक्स को भी तेजी से चलाते हैं, तो सिर्फ KTM को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? तो इसका मेन कारण है KTM की ऑरेंज कलर, जिसको लोग दूर से ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो अगर रास्ते में कोई ऑरेंज कलर की बाइक लेकर अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है तो उसे दूर से ही लोग आसानी से पहचान लेते हैं, और इससे लोगों के दिमाग में KTM का एक नेगेटिव इमेज बन जाता है। अब KTM ने 1996 में सबसे पहली बार ऑरेंज कलर की बाइक्स बनाई, ऐसा इसलिए ताकि इसे रेसिंग ट्रैक में आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन बेचारा KTM को क्या पता था कि उसका यही ऑरेंज कलर उसका मुसीबत बनने वाली है। तो दोस्तों ये तो थी KTM की बात, लेकिन क्या आपको पता है कि आज के दिन जिसे हम एक प्रीमियम ब्रांड के तौर पर जानते हैं उसका सेल्स आने वाले 3-4 सालों में KTM की ही तरह नीचे गिर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ iPhone के बारे में। There's bad news for Apple. iPhone sales were down 2%, iPad sales almost 20%, and the MacBook down 7%. Well, Apple disappointing with its latest earnings report. iPhone sales missed the street. Revenue dropped 1.4% from last year. What we're seeing in Apple now, the disappointment in key products that they're selling, etc. 2022 में एप्पल ने वर्ल्ड वाइड $394 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया, वहीं पर 2023 में इसका रेवेन्यू घटकर $383 बिलियन पर आ चुका है। मतलब एप्पल का सेल्स नीचे गिर रहा है। तो इसके पीछे मेन कारण है कि एप्पल ने मानो इनोवेशन करना ही बंद कर दिया। अगर आप आईफोन 11 से आईफोन 15 को देखोगे तो इसमें एप्पल ने कुछ खास बदलाव नहीं किया। वो हर साल एक नई फोन तो लॉन्च कर देती है द बेस्ट एवर आईफोन टैग से, दीस आर द न्यू आईफोन द बेस्ट आईफोन वी हैव एवर डन, लेकिन चीजों को इम्प्रूव करना शायद वो भूल चुका है और इसीलिए लोग आईफोन खरीदना कम कर रहे हैं। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।